उक्त घटना को लेकर विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के माध्यम से सभी तक अपने जान माल के खतरा होने की बात को सार्वजनिक किया। साथ ही नगर निगम परिसीमन व कचरा प्रबंधन पर आवाज उठाने के कारण साजिश किए जाने की आशंका व्यक्त की है। न्यूज़ 9 टाइम्स। राष्ट्रीय संयोजक मिसाइल इंजीनियर विजय कश्यप आज प्रेस के माध्यम से सारे देशवासियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि जो लोग भी मूक नायक हैं, जो समाज के लोकतंत्र के प्रहरी हैं, जो गुंगों की आवाज़ बनना चाहते हैं, वो सतर्क हो जाएं। देश के अंदर भू माफिया एवं ब्यूरोक्रेट्स की मिलीभगत से हमारे जैसे लोगों का सुरक्षित रहना अब बहुत ही संदेहास्पद हो गया है। कल रात्रि मैं अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन की जन्मतिथि थी, साथ में माननीय काशीराम साहब की परिनिर्वाण का पखवाड़ा का अंतिम दिन था। मैं बेलदारी में कार्यक्रम के निमित्त जा रहा था। हरिवाटका चौक पर कोई एक डंपर बेतिया नगर निगम का मेरी गाड़ी के क्रॉस करते ही पीछे से वो तेज़ी से आगे बढ़ा, जैसा वो इंतजार कर रहा था। मेरे ड्राइवर ने लुकिंग ग्लास में ये देखकर बताया, हमने बेलदारी के पहले गाड़ी को थोड़ा सा साइड करने के लिए उसको इशारा किया। आगे दो लोग बाइक पर और पीछे दो लोग बाइक पर रेकी करते चल रहे थे। बेलदारी के सामने सुविधा नर्सिंग होम के पास से जैसे ही हम गुजरे और गाड़ी को हल्की बाएं करने की कोशिश की, मेरी गाड़ी को इतने ज़ोर से टक्कर मारा गया कि मेरी गाड़ी हवा में करीब 10 फीट ज़मीन से ऊपर उड़ने लगी और 20 फीट दूर जाकर गाड़ी हमारी सड़क पर गिरी। पूरी गाड़ी पीछे से चकनाचूर हो गई है। तत्काल वहां के बेलदारी के आम लोगों के जागरूक और चौकस निगाहों ने ट्रक को घेर लिया और ट्रक दबोचा गया। मुफस्सिल थाना और आम जनता की चुस्ती से वो ट्रक पकड़ लिया गया है। बेतिया नगर निगम का वह कचरा उठाने वाला और पिपरा जोन की तरफ शायद वो डंपिंग जोन में ले जाने वाला ट्रक रात को 7 बजे ये डंपर और रात्रि में कचरा ले जाने वाला ट्रक क्या कर रहा था, ये अपने आप में खोज का विषय है। मैं आम जनों से और प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि ऐसे हमारे जैसे मूक नायक लोगों की हिफाजत और लोकतंत्र की चिंता पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया जाए, अन्यथा कोई मूक नायक आगे आने की कोशिश जो कर रहा है वह शायद नहीं कर पाएगा। यह विनंती आप लोकतंत्र के प्रेरियों के साथ और आम जनता के साथ इस पर नज़र रखें कि हम सी बात है। शाम को 6:30 बजे सर, क्या कारण है सर कि वो पूरा वाला डंपर आप पर अटैक करना चाह रहा है, क्या कारण? पिछले कुछ दिनों से मैं नगर बेतिया नगर निगम के पदाधिकारियों से जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये निगम 1.5 साल से निगम बन गया है, लेकिन पूरे बेतिया निगम क्षेत्र का कचरा और खास करके मछली बाजार का कचरा कोरोना जैसे महामारी के होने के बावजूद, कोविड की गाइडलाइंस के बावजूद, कोविड सेंटर के पास, बेतिया ब्लॉक के पास, बिल्कुल शहर के पास कलेक्ट्रेट से मात्र 200 मीटर की दूरी पे और इतना बड़ा निगम का डंपिंग जोन बना दिया गया है। और तो और वहाँ आचार संहिता का उल्लंघन करके वहाँ पर कोई 25 लाख रुपये की लागत से हमारे निगम के द्वारा आनंद फानन में आचार संहिता को उल्लंघन करते हुए वहाँ पर दीवार खड़ी कर उसको परमानेंट डंपिंग जोन बनाया जा रहा है।
ये अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय है। मैंने इस आवाज़ को उठाई है। मुझे लगता है कि ये जो कचरा उठाने वाली जो कंपनी है, ये बहुत बड़ा करोड़ों का घोटाला है। इसमें हमारे भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से, जो डेली कचरा उठता है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, न कि जो दो साल तीन साल से जो कचरा वहाँ स्टोर्ड है उस कचरे को उठाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है जो बेतिया नगर निगम के बात में तो समझने की बात है कि बेतिया शहर के अंदर कचरे का डंपिंग जोन है और उसको परमानेंट दीवार खड़ी करके और वहाँ पर उसको परमानेंट डंपिंग जोन बनाया जा रहा है, जबकि ऑलरेडी पिपरा से आगे कोई 5 कट्ठा जमीन कचरे के लिए निर्धारित है और रात को 7 बजे कचरे वाली ट्रक ही मेरा पीछा कर रही है, मेरे गाड़ी को इतनी जोर से मार रही है कि इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, फानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। यही बात कह के अपनी जान इंजर्ड कोई नहीं हुआ, मैंने कह दिया जब फानुस बन के हिफाजत हवा करे, हम बच गए हैं, लेकिन गाड़ी बुरी तरह से चकनाचूर हो गई है। ये आप लोग गाड़ी का फोटोग्राफ, का दिन कौन सा है और तारीख कौन सा है? कल 15 अक्टूबर रात्रि 6:30 बजे किससे हुई घटना? ये सविता नर्सिंग होम के ठीक सामने इस पर एफ आई आर हुआ है कि नहीं? और इसमें जिला प्रशासन को, मैं कप्तान महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने धारा 307 के अंदर यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का जो मेरा अंदेशा था उन्होंने तहकीकात किया है और इनको भी ये लगा है कि जरूर ये मेरे ऊपर जो वारदात हुआ है, ये मूक नायक को दबाने की, मूक नायक को हमको हमारी आवाज़ को बंद करने के लिए की गई, इसलिए प्रशासन को भी मैं साधुवाद देना। सर एक चीज़ बताइए सर, जो कूड़ा कचरा जो उठाने का ये टेंडर लिया गया है, इसमें क्या लगता है किस तरह के घोटाले सामने आ सकते हैं? भाई सीधी सी बात है, कचरा उठाने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डोर टू डोर कलेक्शन से जो कचरा आता है उस कचरे को डंपिंग जोन में ले जाना होता है, लेकिन रात को 7:30 रात को 7 बजे सवाल ये है कि कलेक्शन तो दिन में होता है, डोर टू डोर कलेक्शन तो दिन में होता है, तो ये दिन में ट्रक जाना चाहिए ना, रात में जा रहा है, इसका मतलब ये अपने आप में घोटाला है और रात में ये वो कूड़ा जा रहा है जो पहले से 1-2-3 सालों से कचरा जो हजारी में जो कचरा इकट्ठा है उस कचरे को सिर्फ माटी सहित उठाकर उसका वेट कराया जा रहा है और उसका बिल बन रहा है। इसमें हमारे निगम के भी पदाधिकारी शामिल हैं, उनकी जानकारी में हो रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया है वो दिया जाता है डोर टू डोर कलेक्शन के कचरे का, ये नहीं कि जो 4 साल से कचरा इकट्ठा और मिट्टी इकट्ठा है उसको जैसे तैसे उठाकर, ये राष्ट्र का, ये देश का पैसा, बिहार का पैसा लूटा जा रहा है ब्यूरोक्रेट्स और कॉन्ट्रैक्टरों के द्वारा मिलके, इस पर हमको चिंता करनी है। कचरे का जो वेट लिया जा रहा है उस वेट में भी कुछ हेरा फेरी करने की बातें सामने आ रही है। स्वाभाविक है, जब सुनार सोने जैसी मांगी चीज में घोटाला करता है तो कचरे में घोटाला करने की तो पूरी छूट है। कौन देखने जा रहा है कि ये कौन वेट हो रहा है और कहाँ वेट हो रहा है? कोई भी गाइडलाइन डायरेक्शंस अखबारों में नहीं आई है, लेकिन आचार संहिता अभी भी एग्जिस्ट कर रही है और जो ये काम शुरू हुआ है, पिलरिंग का काम जो शुरू हुआ है हजारी में, ये आज से 1 महीना पहले आचार संहिता जब लगा था स्टार्टिंग के समय ये 25 लाख रुपए का खर्च हुआ है। ये आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। कोई भी वित्तीय काम, विकास का काम आचार संहिता में और निगम का चुनाव है और निगम के कमिश्नर द्वारा किया जा रहा है, ये अपने आप में घोरा पत्ती हुआ। और एक चीज मंत्र में कहना चाहूँगा कि बेतिया नगर निगम को बनाया जाना ही, ये जो भी बेतिया के बड़े बड़े माफिया लोग हैं जो आम लोगों से ज़्यादा तेज दिमाग के हैं और बेतिया को जिन्होंने लूटने का ठेका ले रखा है, ये उन लोगों की साजिश के तहत बेतिया पर निगम बनाया गया है। निगम बनाने के बाद ये कचरा से लेकर और बेतिया की जो जमीनें हैं, जो हमारे चटियां चंवर पिपरा से आगे जो हमारी
ये सैकड़ों बीघा जमीन लोगों ने खरीद रखी है, उस जमीने को खीरा के भाव खरीदा, हीरा के भाव बेचने के लिए ये बेतिया नगर निगम को 17 किलोमीटर दूर तक खींच के वहां तक ले जाया जाता है। और बेतिया ही नहीं, बेतिया के बजाय चटिया चौवर को निगम बनाकर और वहां पर सैकड़ों करोड़ रुपया कमाने की योजना की जाती है। इसलिए बेतिया के लोगों को जागने की जरूरत है कि बेतिया नगर निगम नहीं बना है और न बेतिया उसके लिए क्वालिफाई करता है, क्योंकि 50% इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जोन बेतिया नहीं है। इसलिए बेतिया की न आबादी अभी पूरी है, न बेतिया की इंडस्ट्रियल कमर्शियल क्राइटेरिया पूरी है। इसलिए बेतिया के लोगों को ये जानना है कि बेतिया को निगम क्यों बनाया गया। मेरा दावा है, मेरा आरोप है कि बेतिया को बेतिया के लिए नहीं, वो चटिया और पिपरा चौमर को बेचने के लिए और कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्लॉट बनाकर बैंकों से सैकड़ों करोड़ रुपया लेने के लिए बनाया गया है। इसलिए उन 8 पंचायतों को निगम से तत्काल निकालने की मैं वकालत करता हूं और निगम बनने के बाद तो ये काम निश्चित ही पहले बोर्ड की मीटिंग में ही होगा।